મોતી વેરાણા ચોક માં આવ્યા અંબે માં गाइज गुड मॉर्निंग. तो गाइज सुबह के बज रहे हैं 5. देखिए हाँ, और पता है आज हम लोग 3:30 बजे से उठे हैं सुबह से, क्योंकि शिवाज का कल मुंडन है, मतलब आज सुबह मुंडन है, तो उसको कल नहीं कहेंगे. तो इसलिए हम लोग कम से कम 3:30 बजे से उठे हुए हैं, और रात को हम लोग 1 बजे तक सोए थे. तो गाइज सुबह जल्दी उठ के हम लोग और किचन का काम किए, जैसे खाना बनाना, पैकिंग करना, ले जाना, तो थोड़े बहुत वो हो गए हैं और तो हो रहे हैं. तो चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ. ये सुबह के 5 बजे हैं. तो बहुत ज़्यादा काम है, जैसे एक चीज़ नहीं होता उसकी टेंशन लगी रहती, जल्दी हो जल्दी हो. तो गाइज इस बार भी इसका मुंडन जल्दी हो, अच्छा हो, कि एक मतलब थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए कि हाँ हो गया ऑलमोस्ट. और शिवांश की बुआ भी कल आ गई हैं, बड़ी बुआ. शिवांश की बड़ी बुआ आ गई हैं और बड़ी बुआ बहुत सारे कपड़े भी लाई हैं, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, क्योंकि आज बहुत काम है तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी. बट हाँ, देख लीजिए इनका कपड़ा रखा हुआ है. देखिए ये शिवांश के पापा का है, ये शिवांश के पापा का था. और ये देखिए ये गाइस, तो ऐसे ये है मेरे. एक और शिवांश के पापा की मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि वो आज बुआ के कपड़े पहनेंगे नए, तो इसलिए मैंने पहले दिखा दिया. शिवांश लोग का मैं आपको दिखाऊंगी, वो बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है. मेरी साड़ी जो लाई है दीदी, वो मैं नहीं पहनूंगी. इसके पहले आपने अगर देखा होगा तो मैं साड़ी ले आई थी बाहर से, तो वो वाली साड़ी हमने बनवा ली है, तो वही हमने पहननी है. तो गाइस जल्दी से हम लोग खाना बनाते हैं. मैं खाना वैसे बनाएंगे क्या बताते हैं आप. सुबह तो जल्दी जल्दी हम लोग उठे और हमने बना लिया आलू. आलू बैंगन तो बन गया, क्योंकि हमने जल्दी से आटा गूंद दिया है. भाभी ने बैंगन छील के उसको बैंगन आलू कर दिया है. फिर मैंने बॉयल आलू छील दिया है, तो बॉयल आलू छील के हम दम आलू बना लेंगे. दम आलू बनाने के बाद हम लोग जैसे कुछ आलू फ्राई भी कर लेंगे. हाँ, और पूरी तो बाहर से तो कुछ खा ही लेंगे, बट घर से ले जाना, क्योंकि बच्चे हैं ना, कभी लगता है अगर नहीं पसंद आया, नहीं मिला, तो फिर दिक्कत हो जाती है, जल्दी निकलना पड़ेगा. तो गाइस चलिए हम दिखाते हैं आपको नीचे किचन में हो क्या रहा है. चलिए, मेरी स्लीपर नहीं मिली थी, जल्दी जल्दी में स्लीपर का हाल देखिए क्या हुआ. ये मेरी है, ये मेरी ननन की स्लीपर है, मैंने दोनों मिक्स करके पहन लिया. कोई बात नहीं, पहन के चलेंगे हम लोग. तो गाइस एक सब्जी बन रही है और ये पूरी इसमें छान लेंगे हम लोग. और हमने पानी के लिए पूरी जग भी रेडी कर लिया है.
तो गाइस हम लोग के किचन के काम खत्म हो चुके हैं और मैं सोच रही थी एक फूल जग में बर्फ डाल दूं, क्योंकि अगर गर्म मौसम रहेगा तो बर्फ का पानी पी लेंगे, ठंडा पानी नहीं तो नॉर्मल पानी। सब्जी पूरी बन गई है, अब हम लोग झाड़ू पोछा करेंगे, रेडी होंगे तो जी बन गया। एंड अभी आलू फ्राई बननी है। तो गाइस एक में भरेंगे थर्मस में थोड़ा सा गर्म पानी, इसमें एक में बर्फ वाला एक में नॉर्मल पानी, तीन पानी लेंगे। तो गाइस सुमित भी उठ गया है सो के, गुड मॉर्निंग बोल दो, सब लोग देख रहे हैं। तो अब ये पोछे क्या अपना लगाएंगे पोछा, देखिए कॉलोनी में कौन कौन देर से सोया था, हम सबसे देर में सोए थे, हम मैक्सिमम 1:30 बजे सोए हैं, ये सो रहे हैं। हाँ मैं 1:30 बजे सोई थी, मैं 3 बजे सोया हूँ। तो तुम उठे कितने बजे हो, तुम 6 बजे उठे, ये देखो 3 घंटे में नहीं तो क्या, हम लोग 3:30 बजे से उठे, तुमको पता है। चलो क्या चलो हम जाने खुद ही, ठंडी लग रही है। अरे उठ गए, चाय एक बार तो पहला ही दो, वैसा थोड़ा ना है ना, तब नहीं मांगेंगे तब खुद ही बना लेंगे। अरे हम दे रहे हैं चाय, हम नहीं देंगे अभी चाय, कोई नहीं तो नींद तोड़ के उठेंगे तो क्या इतना भी नहीं कह सकते क्या है। सारा काम तो हम रात में करा चुके, तब क्या बचा अब करने को। जबरदस्ती रात को तुमने कितना काम मेरा बढ़ाया था, बताया आपने। ए ये भैया इंसान है, हैवान नहीं बनना, एक कप बहुत है मेरे लिए। देखो वर्षा मसीह कर लेना चाहती है, देखो हाँ। 1 घंटे में मतलब ना कम बोलता हूँ। जी गाइस हम लोग को चाय अब मिल रही है उठने के 1 घंटे बाद, 1 घंटा नहीं हुआ 15 मिनट हुआ है। किस घड़ी से 15 मिनट हुआ है, ये बुआ ने ड्रेस लाई थी शिवांश की, तो हमारे यहाँ होता है कि बुआ के कपड़े पहन के होते हैं तो उसकी ड्रेस देखते हैं कौन सी पहना है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कितनी क्या ड्रेस आई है, तो मैं सोच रही हूँ इसको ये पहना दूँ और एक एक्स्ट्रा ले लूँ कि कभी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती तो वो यूज़ कर सके। इसके बाद यहाँ पे इसका मैंने इनके पापा की भी ड्रेसेस निकाल दी हैं, इसका मैंने रख लिया, इसका मैंने शूज बूट निकाल लिया है, और भी देखते हैं। ये किस बात पे था कि तुम उसको पीट रहे हो, किस बात पे था, क्यों तोड़ना है, वो तो कह रहे हम सुबह उठ भी गए तो सोया था वो, सोया था वो,
दस बजे तो सो रहा है रात के, तीन बजे सोए हैं, दस बजे तो आए भी। सबसे ज्यादा तो ये सोए हैं, ये सबसे ज्यादा सोए हैं। 12 बजे बिस्तर में लेटे हैं, सुबह 7:30 बजे उठे हैं, नहीं 6:30 बजे उठे हैं। इसके बाद सुमित से बोलेंगे सारे कपड़े तैयार दे इसको, पीछे जितने हैं अब निकल लेगा। निकल ले सुमित, निकलेगा तो कितने एक्साइटेड हो दोनों लोग बताओ। नींद उड़ गई है यार, जल्दी काम कराना है इसलिए। देखो जिसके पास कोई काम नहीं है वो यही बोलता है जल्दी काम कराना है। तुम कितने एक्साइटेड हो काहे के लिए? चलने के लिए। चलने के लिए? हाँ चलना है तो चलना है, इसमें एक्साइटेड क्या होना है? अरे मतलब ऐसे पहनने हैं कपड़े, तैयार होना है, थोड़ा मेकअप तुमको करना पड़ेगा सुंदर दिखने के लिए। भगवान ने हम लोगों को खुद इतना सुंदर बना के भेजा है कि तुम्हारी जैसी तितलियां खुद ही अपने आप चली आती हैं। अच्छा ये बताओ आज आपका फेस ग्लो कर रहा है, उसका राज क्या है? ये देखिए गाइस मेरी चाची अब तैयार हो रही है सारा काम करने के बाद। सारा काम कर चुके हैं, आप भी तो तैयार हो गए। हम तो कब से तैयार हैं, निराश ही तैयार हैं ना, बता दो। और नहीं तो क्या, अब बंद कर दो। ठीक है चलो दिखा। कौन कौन आया नीचे देखें तो पता चले कौन कौन आया। तो गाइस हो गए हम रेडी, मम्मा आ गई हैं। मम्मा की थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, देखिए आग से पता चल रही है ना, इनको हो गया था, क्या हो गया था इनको, पेट में बहुत दर्द हो रहा था मम्मी के, खांसी आ रही थी बहुत ज्यादा। हाँ बोल दो, सुन रहे हैं। समागम गए, समागम से खांसी आने लगा। तो मम्मा बहुत रेडी हैं, मेरा भी हो गया। हाँ अच्छा मम्मी लगाना है। तो मम्मा समागम गई थी बाबा जी का, बाबा जी की फोटो यहाँ पे है। अच्छा भगवान की सेवा लगा था, मेरी मम्मा का हमेशा लगता है भगवान की सेवा। पहली बार कल माता जी भवन में। अच्छा सब फैले हैं, जल्दी इसको रख लेते हैं। जा रही हूँ नीचे। हाँ नीचे जा रही। ठीक है भैया पास ना। हाँ तुम्हारे पापा। हाँ क्या दीदी? स्वीट पापा के हाथ में। अच्छा ठीक ठीक। हाँ भैया को तुम्हारे देना है। हाँ भैया के हाथ में। उसको नीचे लेके यहीं पे दे दे। किसको? वो जो लाए उसको भैया को दे दो दीदी। भैया वहाँ नहीं लेके चलना है क्या? इसमें ज्यादा तो नहीं। वहाँ क्या लेके चलना है? पहनाओगी ना अपने बाबू को? कौन दीदी कपड़ा तो एक नहीं है। एक कपड़ा पहना हुआ बुआ दीदी बुआ मेरे यहाँ बुआ का होता है। नानी के यहाँ कभी लिए, नानी के यहाँ लेने पर बुआ का होता है। हाँ कोई बात नहीं, जहाँ कभी पहना है। इस घर से निकल चुके हैं हम लोग, सुमित यहाँ बैठे हैं, सीएनजी डलवा ले, पेट्रोल डीजल जो भी पड़ते हैं। उसको पकड़ लाओ तो अब उसकी फोटो ले लें। कहाँ है वो? है अच्छा दूसरी गाड़ी गाइस यहाँ लगी है, पापा की गाड़ी निकल रही है कहीं पे।
ले लो इसको अपनी गाड़ी पे। हाय एवरीवन, हाय हाय गाइस, हाय। आज हम लोग जा रहे हैं विंध्याचल, इसका मुंडन करवाने। इसके जो सॉफ्ट सॉफ्ट बाल हैं, आज इसके बाल कट जाएंगे, कट जाएंगे, हम लोग फिर प्यार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो पीछे बैठे आनव और जया दीदी, और आनव भी बैठे हैं ये, हाँ, और बच्चे दीदी के यहाँ बैठे हैं। मम्मा आगे, चलो फोटो ले लेते हैं, एक एक फोटो। हाँ हमारी गाड़ी से कर देना। हाँ कर देंगे, चलो फोटो ले ले आओ। मम्मी आओ फोटो ले लें एक तो। हाँ उतरना पड़ेगा, क्या सीखा? साइड से देखो, उधर तरफ साइड से दबाओ, देखो दबाने लो कुछ होगा। बाबू मत, मम्मी सब सामान लो। मम्मी खोलो, नहीं ये वाला खींचो, कहाँ है? आप लोग भी उतर लीजिए, हम इस नीचे का बाहर ले। खोल दीजिए भैया, लॉक लगाए क्या? देखिए मम्मी ये। हाँ दीदी बोलो। ए वो हाँ बोलो। तो गाइस यहाँ पे हो चुका है फोटो सेशन हम लोगों का सबका। चलो हमारे साथ